राजा के बारे में। राजा जो होता था वो राजा एक धर्म के आधारित व्यवस्था का ही अंग होता था। वो सिर्फ धर्म की व्यवस्था को प्रतिपादित करने के लिए राजा होता था। राजा भी उस व्यवस्था से अलग नहीं होता था। अगर वह भी अपराध करता था तो उसको भी दंड दिया जाता था। आपने महाभारत में भी इस बारे में पढ़ा होगा, महाभारत के बारे में, या रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामायण में भी है। बहुत बार उपनिषदों में ऐसे बहुत सारे प्रसंग आए हैं जिस समय राजा ने खुद को अपने आप को दंडित किया है। ये हमारी व्यवस्था जो थी ये प्राचीन व्यवस्था थी, उसके आधार पर व्यवस्था चलती थी। उसके बाद में जब यहाँ पर मुगलों का आगमन हुआ तो उस व्यवस्था में थोड़े बदलाव आए। जैसे उन्होंने रिलीजियस लॉ को होता है शरीयत और उससे आधारित जो कानून है उनको यहाँ पर उन्होंने लागू करना शुरू किया। फिर भी हिंदू व्यवस्था जो थी धर्म के आधार पर वो व्यवस्था तब भी चलती रही। लेकिन सबसे आमूलचूल परिवर्तन जो आया है आप कह सकते हैं वो आया है अंग्रेजों के आने के बाद। उन्होंने यहाँ की सारी संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था थी उसको पूरा बदला उन्होंने। अब जो मॉडर्न व्यवस्था है इसको कहते हैं कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम क्या है? कॉमन लॉ सिस्टम ब्रिटिशर्स की जो कानून है इनकी जो न्यायालयों ने जो व्यवस्था बनाई, जो साम्य व्यवस्था जिसको कहते हैं इक्विटी के आधार पर, उस और जो जुडिशियल डिसीजंस आए समय समय पर, जो विवाद गए हैं वहां की हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो वहां पे एक कोर्ट होती थी जो सर्वोच्च कोर्ट होती थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और वहां की जो बाकी न्यायालयों में जो व्यवस्था दी गई उन्होंने उन विवादों के आधार पर जो कानून बनाए या जो निर्णय दिए उन निर्णयों को उन्होंने कोडिफाइड किया, कानून बनाया। वही व्यवस्था भारत में भी लागू की गई। इसलिए हम ये कहते हैं कि भारतीय जो प्रेजेंट व्यवस्था है वो है कॉमन लॉ सिस्टम। कॉमन लॉ सिस्टम कैसे काम करता है? इसको कहते हैं एडवर्सियल सिस्टम ऑफ जस्टिस। एडवर्सियल आप लोगों को लिए शायद नया शब्द महसूस होगा। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर तीन अंग होते हैं आपराधिक व्यवस्था में। एक जज होगा, दूसरा होगा प्रोसिक्यूशन में, तीसरा होता है आपका जो इन्वेस्टिगेशन, और चौथा मतलब जो आपकी जुडिशरी का ही पार्ट होता है जिसको डिफेंस कहते हैं, जो वकील व्यवस्था आती है उनकी आती है। इसमें क्या होता है कि जज जो है वो एज ए रेफरी काम करता है। वो खुद से कोई भी तथ्य की जांच नहीं करेगा। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करके आएगी वो उनके सामने प्रस्तुत करेगी। जो बचाव पक्ष है मतलब अपराधी के तरफ से, उनका जो बचाव पक्ष जो वकील रखने वाले हैं वो उन पक्ष को रखेंगे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी सबूत लाए गए उन सबूतों को उनके सामने रखा जाएगा, और दोनों की सुनवाई करने के बाद जो निर्णय होगा वो जज देगा, और इसको कहते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम। एक और सिस्टम है जो और भी देशों में लागू होता है, उसको इंक्विस्टोरियल बोलते हैं। बेसिकली ये यूरोप के देशों में है। वहां पर क्या होता है कि जज या ज्यूरी मतलब वहां पर मल्टी जजेज होते हैं, एक ही व्यवस्था में दो जज होंगे तीन जज होंगे, वो खुद ही फैक्ट फाइंडिंग में जाते हैं। वो जांच में अपना जाएंगे, उन चीजों को जांचेंगे कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, फिर उन तथ्यों के आधार पर बचाव का मौका दिया जाएगा अपराधी को और फिर वो निर्णय देंगे। लेकिन ये जो व्यवस्था है इंक्विस्टोरियल सिस्टम ये बेसिकली कुछ देशों में लागू होती है, जहां पर कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो किया जाता है वहां पर ये व्यवस्था लागू नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है बेसिकली एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ है।